कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच आपका इम्यून सिस्टम ही आपको मजबूती प्रदान कर सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो कोई भी रोग आपको आसानी से हो जाएगा। आप लोगों को पता है इस वक्त हॉस्पिटल्स में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो आप सब लोगों के लिए यही बढ़िया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को घर पर रहकर बढ़ाएं और अपन सभी मिलकर कोरोना को हरा सके। इस समय सभी यही चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो हम जान लेते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जितनी रहेगी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग उतनी ही रहेगी आपकी सेफ्टी ज्यादा। तो जान लेते हैं अब हम। फर्स्ट है नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू में विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन ई जैसे विटामिन होते हैं। ये सभी मिलकर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं और साथ ही आपको कई बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में भी आपकी मदद करते हैं। इसमें मौजूद आवश्यक विटामिन और मिनरल्स के कारण यह शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ में ये ब्लड प्रेशर और तनाव को भी कम करता है। तो आप दिन में कम से कम 2 ग्लास नींबू पानी जरूर पिए गुनगुने पानी में। सेकंड है संतरा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में संतरा भी हमारी बहुत मदद करता है। इसमें विटामिन A, B, C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पता नहीं और कितने तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मात्रा ना के बराबर होती है, जिससे ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और संतरा आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए रोजाना कम से कम 1 संतरा जरूर खाएं। थर्ड है टमाटर। इम्यूनिटी को करना है मजबूत तो खाइए टमाटर। इसमें लाइकोपीन, विटामिन, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आप टमाटर को अपने सैलेड में शामिल कर सकते हैं। देखिए, टमाटर खाने से WBC यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो बढ़ती है और यही व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगी। फोर्थ है आम, जिसे हम फलों का राजा कहते हैं। आम किसे पसंद नहीं है? तो दोस्तों, आम में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन और फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। इसमें करीब 20 से अधिक विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक रिसर्च या शोध से पता चला है कि आम का सेवन एलर्जी को भी कम करता है और कई तरह के इन्फेक्शन को खत्म करता है। तो दोस्तों, खाइए गर्मियों में डेली आम और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।